हरियाणा सरकार और कृषि विभाग के प्रयासों से प्रदेश के प्रगतिशील किसान पारंपरिक खेती छोड़ अब नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, पढ़े लिखे युवा भी नौकरी छोड़कर प्रगतिशील किसान बन रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है प्रगतिशील किसान नवीन कुमार की। नवीन कुमार यमुनानगर जिले के गांव टोपरा खुर्द के रहने वाले हैं। बीटेक करने के बाद गुरुग्राम में नौकरी करने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद ही नौकरी में भविष्य नहीं दिखा। फिर विभागीय मदद से आधुनिक तरीके से मशरूम की खेती करना शुरू कर दिया। मैं जॉब करता था जी, गुड़गांव में जॉब करता था। 15,000 रुपये मेरी सैलरी थी, पर मुझे वहाँ रहना खाना थोड़ा कॉस्टली लगा, तो इसलिए मैंने अपना काम ही करने स्टार्ट करने। क्वालिफिकेशन है, किसकी जॉब करता था? मेरी क्वालिफिकेशन है जी बीटेक है। मैंने मैकेनिकल से बैचलर टेक बीटेक करी हुई है। तो मैंने लगा कि जॉब वगैरह में कुछ नहीं है, आगे स्कोप नहीं है, तो है भी कितना कमा लेगा बंदा, 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ कमा लेगा, तो सोचा कि अपना काम ही करते हैं थोड़ा। प्रगतिशील किसान नवीन कुमार का कहना है, साल 2020 के अंत में ये काम शुरू किया। पहले हॉर्टिकल्चर विभाग से जानकारी ली, बारीकी से सब कुछ सीखा, करनाल में प्रशिक्षण लेकर बागवानी में अपना हाथ आजमाया, सरकार से सब्सिडी का लाभ भी लिया और अच्छा खासा अब मुनाफा कमा रहे हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम है नवीन कुमार। जो मशरूम की खेती कर रहे हो, कब से कर रहे हो और कैसे सोचा था कि मशरूम की खेती शुरू की जाए? ये काम हम 2020 से हमने स्टार्ट किया था, तो थोड़ी हमने उल्टी कल्चर वगैरह की तरफ से नॉलेज प्राप्त करी पहले तो इस बारे में, तो हमने ये स्टार्ट काम 2020 के लास्ट में कर दिया था जी। तो इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान दिया, DHO साहब से भी बात हुई हमारी। तो एक हमारे रिलेटिव्स में है जो ये काम करते थे पहले, तो उसने बताया कि चलो थोड़ा कर लेते हैं और काम में थोड़ा प्रॉफिट है, तो उससे थोड़ी गाइडेंस लेके हमने ये काम स्टार्ट किया जी। तो हमने किया जब से, तो थोड़ा लगा मतलब 20-50 हज़ार हम पर मंथली इसमें से इनकम कर रहे हैं। तो कैसे अनुदान राशि मिली और कितनी अनुदान राशि मिली सरकार की तरफ से? देखो जी, पहले तो वो बताते हैं कि आप लोन करवाओ, बैंक में जाओ और आप अगर आप गवर्नमेंट मतलब बैंक एग्री करता है आपको लोन देने के लिए, आपकी स्पेस अच्छी जगह पे है, ठीक है जी, तो आप उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ कहाँ आप इसको सेल करोगे सब कुछ, तो बैंक एग्री होता है तो वो लोन देते हैं आपको। उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर की तरफ से सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो वो उसकी एप्लीकेशन लगाते हैं, तो ये पंचकूला फाइल भेजते हैं जी हमारी, तो उसके थ्रू हमें 40% सब्सिडी मिलती है। अगर हमारा लोन बैंक 20 लाख करने के लिए रेडी हुआ है, तो हमें उसकी 40% हमें सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की खेती के बारे में जब आपको पता लगा कि प्लांट लगाना है, हाँ, तो सीखा कैसे, बारीकियां कैसे सीखी, कैसे उसमें बचत की जाए, कैसे हमारी, देखो ये ट्रेनिंग हुई थी इस बारे में, करनाल हमने इसकी ट्रेनिंग करी थी, मैंने और मेरे ब्रदर ने, तो उन्होंने हमें बताया कि आप किस किस तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं, क्या इससे प्रॉफिट है, कैसे हमें बीमारियों से बचना पड़ेगा, मतलब सारे तरीके से हमने इसके बारे में पहले बारीकियों से सीख के ही हमने इस काम को स्टार्ट किया था। जो 2 यूनिट आपने लगाई है, इसमें कितनी पॉलीथीन तैयार की हुई है पूरे इसमें? देखो जी, हमारे पास 2 रूम है, वो रूम है 2500 से 3000 बैग के, तो हम इसमें अभी तक हमें फिल किए हुए हैं 2400 बैग पर रूम में है, 2 रूम हमारे पास हैं। एक रूम हमारा 3 फ्लैश दे चुका है, चौथी फ्लैश हमारी चल रही है एक में, और एक रूम में हमारे प्रोडक्शन शुरू होने वाली है 10 मिनट बाद। तो क्या आगे भी और बढ़ाने का इरादा है कुछ? अभी हमारा हाँ चल रही है कि हॉर्टिकल्चर से भी बात हो रही थी कि अगर हमें कुछ सब्सिडी वगैरह आगे भी प्रोवाइड की जाए तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। प्रगतिशील किसान नवीन कुमार का कहना है कि पहले उनकी खेती में कोई रुचि नहीं थी, उनके पिता पारंपरिक खेती करते थे जिसमें कोई खास मुनाफा नहीं होता था, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद अब वो मशरूम की खेती कर रहे हैं जिसमें उन्हें कई गुना मुनाफा हो रहा है। प्रगतिशील किसान नवीन कुमार ने बताया कि अब अन्य किसान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, और सरकार की ओर से जो मदद दी जा रही है, किसान नवीन ने इस बारे में भी जानकारी दी। नहीं, पहले जो खेती करते थे, देखो जी हमारे पापा ही करते थे, हम तो इस लाइन में मतलब नहीं थे खेतीबाड़ी में, तो उनके उससे तो मतलब यही था कि 5,000-10,000 गेहूँ में कमा लिए, 5-10 हज़ार जीरी में कमा लिए, ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। तो
मशरूम में थोड़ा ये लगा है कि हाँ चलो 40-50 हज़ार रुपए पर मंथ बन रहे हैं तो प्रॉफिट है थोड़ा। तो मशरूम फार्म आपने लगाया हुआ है और भी किसान जागरूक होते होंगे, आपसे देखने भी आते होंगे, सीखने भी आते होंगे? हाँ जी, जब से लगाया है देखो बहुत मतलब लोग लाग पास के कि हम भी करेंगे ये काम, कैसे स्टार्ट होता है, तो हम उनको नॉलेज देते हैं। देखो किसी को मिसगाइड नहीं करते कि आप करो कोई दिक्कत नहीं, पर उनको हम क्या करते हैं कि पहले उसकी वो ड्रॉबैक्स जो हम डिसएडवांटेज है कुछ भी मतलब उसमें कमी है तो वो भी बताते हैं कि नहीं आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा अगर आप ये काम करते हो, और उनको बचत भी बताते हैं कि आप अगर इस चीज़ में पूरे सिक्योर हो जाओगे तो आपको प्रॉफिट भी है। जैसे ये तैयार करते हैं इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था कि और भी किसान इस चीज़ को मोटिवेट होकर ये काम में लग सके? देखो जो मेन चीज़ होती है इसमें फंगस, हमने बैग मशरूम कोई भी उगा लेगा पर जो इसमें एक बबल्स की प्रॉब्लम है, मोल्ड आ जाते हैं, येलो मोल्ड, वाइट मोल्ड, गुलाबी मोल्ड, तो इन मोल्ड से अगर हम बच सकें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें तो इसमें प्रॉफिट है, हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ जी, मार्केट में कोई प्रॉब्लम होती है किस तरह बेचने की? देखो जी पहले तो मुझे लगा था कि मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि कम लोग मतलब इसको खाना, पर आजकल क्या होता है कि आजकल हर घर में ये सब्जी बन रही है, ठीक है जी। पहले तो इसको कोई शैम्पू की सत्रिया बोलते थे लोग, पर आजकल जो है अच्छे तरीके से लोग इसे समझने लगे हैं और खाने लगे हैं क्योंकि इसमें हर तरीके का प्रोटीन्स, मिनरल्स वगैरह सब भरपूर मात्रा में होते हैं। तो इसको सेल करने के लिए लोकल मंडी, अगर 2-3 क्विंटल माल है तो लोकल मंडी यमुनानगर में खपत हो जाती है। अगर मेरे पास 500-600 किलो माल है तो मैं चंडीगढ़, देहरादून वगैरह इसकी सेल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास टन, आगे मैं रूम बढ़ाता हूँ और मेरे पास 2-3 टन माल है तो दिल्ली एक ऐसी मार्केट है, आज़ाद मंडी है, आज़ाद नगर मंडी है, तो वहाँ पर मैं कितना भी माल सेल कर सकता हूँ, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट सही मिलेंगे? रेट वहाँ यहाँ से बेटर मिलेंगे। तो आपने एसी यूनिट लगाया हुआ है, बिल्कुल अलग खेती कर रहे हैं यमुनानगर में और भी किसान कर रहे हैं, हाँ जी, तो इस पर कितनी अनुदान राशि मिली है हॉर्टिकल्चर की तरफ? देखो जी मैंने प्रोडक्शन यूनिट लगाया था जब, तो उन्होंने मेरे को 8 लाख रुपये सब्सिडी मिली थी मेरे को। तो अभी जो मैंने कंपोस्ट यूनिट लगाई है तो उसमें मेरे को 4 लाख रुपए जो इनिशियल सब्सिडी है वो मिल चुकी है, और जो फाइनल इंस्पेक्शन रहती है उसकी अगर वो क्लियर हो जाती है तो मुझे 4 लाख रुपए और मिलेंगे। टोटल खर्चा कितना आ गया? टोटल खर्चा कम से कम 60 या 70 लाख रुपए अब तक मेरा आ चुका है। कितना टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है? टेम्परेचर हम जैसे फर्स्ट फ्लैश है तो हम अपना टेम्परेचर 15 से 16 के बीच में रखते हैं बैगों का, ठीक है जी। एयर हमारी रहती है यही 14, अगर हम 14 या 13 एयर रखेंगे तभी उसके टेम्परेचर बैग का इतना आता है। अच्छा, जैसे जैसे हमारी सेकंड फ्लैश आती है तो हम एक एक पॉइंट बढ़ाते चले जाते हैं ताकि वो नीचे वाली मशरूम ऊपर निकल सके। इतना ही नहीं, यमुनानगर हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी कृष्ण कुमार का कहना है कि वो किसानों को न सिर्फ समय समय पर जागरूक कर रही हैं बल्कि उन्हें बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए करनाल भी सरकारी खर्च पर भेजते हैं। तो बेरोजगार जो युवक हैं जो पढ़ लिख के अपने घर बैठे हैं तो वो ये काम बड़े आसानी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि मशरूम एक टेक्निकल खेती है, इसके लिए विभाग जो है वो 5 दिन की ट्रेनिंग भी कराता है किसानों के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त वो ट्रेनिंग विभाग प्रोवाइड कराता है। ये ट्रेनिंग हमारा जो उद्यान प्रशिक्षण संस्थान उचानी करनाल में है वहाँ पर 5 दिन की ट्रेनिंग, वहाँ पर रहना खाना, बल्कि जो किसान जो वहाँ पे जाते हैं और आते हैं उनको जो बस का किराया है वो भी सरकार उनको मुहैया कराती है। इसके अलावा एक जो ट्रेनिंग सेंटर मशरूम के लिए है वो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का, जो कि मुरथल में स्थित है, और वहाँ पे भी जो ट्रेनिंग है 5 दिन की वो भी बिल्कुल मुफ्त दी जाती है किसानों को, और वहाँ भी किसानों को जो आने जाने का किराया है वो भी किसानों को बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में भले ही लाखों तक की लागत आती हो लेकिन सरकार ऐसे प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन देती है और इसीलिए प्रगतिशील किसान की मदद के लिए उन्हें सब्सिडी मिली जिससे उनके ऊपर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो गया। अब प्रगतिशील किसान नवीन सैनी को देखकर और भी किसान उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और पारंपरिक खेती छोड़ किसान नवीन की तरह ही सफल किसान बनना चाह रहे हैं।